मंच पर फूट फूट कर रोने लगे कांग्रेस प्रत्याशी। दमोह में भावुक हुए तरब सिंह लोधी। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने लगाया गले। दमोह में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी तरब सिंह लोधी जनसभा के दौरान मंच पर ही फूट फूट कर रोने लगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सभा को संबोधित कर रहे थे, तरब सिंह उनके पास खड़े थे। इस दौरान वे भावुक हो गए और रोने लगे, जिसके बाद जीतू पटवारी ने उन्हें गले लगा लिया। मंगलवार को कांग्रेस प्रत्याशी तरब सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पहले जीतू पटवारी ने नामांकन रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को धोखा बताया, इसीलिए रो पड़े तरब सिंह लोधी। जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पटवारी ने अपने भाषण में कहा कि एक राहुल सिंह थे जो लालच में आकर बिक गए और पार्टी छोड़ दी, वहीं दूसरी तरफ हमारे तरब सिंह लोधी थे जिन्हें भाजपा ने ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने वह ऑफर स्वीकार नहीं किया और अपने पिता का मान बनाए रखा और पार्टी के साथ जुड़े रहे, 5 साल विधायक रहे। ऐसे ईमानदार व्यक्ति को आप सबका समर्थन मिलना चाहिए। नेताओं के बार बार तरब सिंह को ईमानदार और कर्मठ कहने पर वह भावुक हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। जीतू बोले, भाजपा और धोखा एक दूसरे के पर्याय। मीडिया से चर्चा में जीतू पटवारी ने कहा कि इस देश में बीजेपी और धोखा एक दूसरे के पर्याय हैं। एक तरफ सेवादार और अच्छे मन का ईमानदार चुनाव मैदान में है और दूसरी तरफ बिकाऊ और लोभी जिसने अपना परिचय बेईमानी का दिया है। ये चुनाव ईमानदार और बेईमानी के बीच है। मैंने 5 साल किए वोट देते वक्त, इन्हें याद रखना। पटवारी ने कहा, दमोह की जनता से मेरा आग्रह है कि मैंने 5 सवाल किए हैं। पहला, आपके बच्चों को रोजगार क्यों नहीं और बीजेपी के बच्चों को रोजगार क्यों? जिले से पलायन क्यों हो रहा है? रेलवे की व्यवस्थाएं क्यों दुरुस्त नहीं है? दमोह का एक तालाब, उसकी भी अभी तक सफाई क्यों नहीं हो सकी? किसानों को फसलों के सही दाम क्यों नहीं मिल रहे? ये सवाल आपके घरों में है और वोट देते समय याद रखना, खासकर संविधान से प्यार करने वाले लोग। पटवारी ने कहा कि एक तरफ वह लोग हैं जिन्हें 400 सीट चाहिए क्योंकि उन्हें संविधान बदलना है और दूसरी तरफ वह लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, आपकी वोट के अधिकार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, इसीलिए सोच समझकर वोट देना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।